missing that for sure, five touchdowns. So, number two, I copy and कर ले, फिलहाल काफी मुझे बंद कर ले. Number three, आओ वो. Number four, अजीब, सोरा कमाना. बुलंदी और रिफत की वजह से या फिर ये दूसरी सूरत से वाजे होती है, हर सूरत अपने बाद वाली और माकबल सूरत से वाजे होती है. आयत का माना आयत का नहीं, आयत 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 का माना क्या है? अलामत निशानी. तो कुरान करीम की आयत को आयत क्यों कहते हैं? इस वजह से वो निशानी है सांस निकालने की. किसकी? सांस निकालने, वक्फ करने की निशानी है, अलामत है. और क्यों कुरान की आयत को आयत कहते हैं? कि मौजजा है. क्या है? मौजजा है. औज़ु का माना क्या है? औज़ु का माने मैं पना मांगता हूं, पना मांगता. रजीब दोबारा मजबूत. रोजाना ना पढ़ के आया करें पिछला, हर रोज अल्फाज मानी देख के. आज हमारी पहली आयत है अल्हम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन. ये किसकी अलामत है? आयत. तो ये मतलब क्या? अलामत है वक्फ करने की, सांस निकालने. अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे अल्फाज, अल्फाज ठीक. पहला लफ्ज क्या है? अलिफ लाम. हमने क्या कहा था कि वो लफ्ज निकालेंगे जो माना देते हैं, जो क्या देते हो? माना देते हो. अलिफ लाम. नंबर दो हम्द. नंबर दो हम्द. नंबर तीन अल्लाह. यहाँ पे नहीं, नंबर तीन ये है लाम से ली. लिल्ला में ली है ना, ली. लिल्ला लाम से ली. उसके बाद क्या है? मानी अल्फाज. कौन सा लफ्ज है? नंबर चार अल्लाह. क्या है? अल्लाह. नंबर पाँच रब. नंबर पाँच रब. नंबर छः अलिफ लाम. अलिफ अलिफ लाम शाबाश. नंबर सात आलमी. क्या है? आलमी. आलमी. तो तजवीद के साथ पहले हम आयत पढ़ते हैं, यानी तलफ्फुज के साथ अल्हम्दु. अल्हम्दु हा पढ़नी. अल्हम्दु ठंडी सांस नहीं लेते. कोई बड़ी पसंदीदा चीज खा के हम ऐसे बहुत पसंदीदा, या किसी को वैसे वो नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, छेड़ना हो कि मैं बड़ी अच्छी चीज खा रहा हूँ, तो वो हा निकाल दी. अल्हम्दु 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 लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाह. मोटा नहीं करना, बड़ी करके लिल्लाह लिल्लाह रब्बिल रब्बिल. मुंह भर के जैसे हम ऐसे नहीं करते, मुंह में हवा भरते हैं. तो जो भी लफ्ज मोटा पढ़ना है ना, पहले मुंह में हवा भरनी. रब्बिल 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 आलमीन 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 आइन आइन आलमीन 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 कहना आलमीन आलमीन. अब आप
आपने पढ़ा अलिफ लाम का माना खास या तमाम, खास या तमाम। हम्द का माना तारीफ। हम्द का माना तारीफ। और हम्द सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। हम्द सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। मिदहत अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी की तारीफ करनी है तो लफ्ज़े मिदहत आएगा, लफ्ज़े मिदहत आएगा। और लफ्ज़े शुक्र अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मखलूक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। आपने क्या फरमाया कि जो बंदों का शुक्र नहीं करता, जो लोगों का शुक्र नहीं करता, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है थैंक यू नहीं कहता, शुक्रिया नहीं कहता है, दुआ नहीं देता है, तो फरमाया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो लिहाजा शुक्र का लफ्ज दोनों के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए भी है और मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, लाम ज़ेर ली जहाँ भी आए, लाम ज़ेर ली का माना होता है लिए। किस लिए? लिए लिए मतलब किसी की मिल्कियत जाहिर करना होता है। ये मोबाइल मेरे लिए है, ये किताब मेरे लिए है, ठीक, ये घर मेरे लिए है, ये जगह मेरे लिए है, क्लियर। तो लाम ज़ेर ली जहाँ भी आए माना क्या होगा? के लिए, के लिए। के तो तर्जमा फिट करने के लिए है ना, असल लफ्ज माना क्या है? लिए। ली का माना क्या है? लिए, लिए। अल्लाह इसमें जो जात तमाम कमालात की मालिक है और हर ऐब से पाक है, तो हम इसको तस्बीह में कैसे बयान करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तमाम कमालात अल्लाह के लिए हैं। सुबहानअल्लाह मतलब अल्लाह हर ऐब और हर नक्स और हर खामी से पाक है। अल्लाहु अकबर अल्लाह हर एक से मकाम और इज्जत में बड़ा है। और रब का माना जहां भी कुरान में आए क्या माना है? पालने वाला, पालने वाला। रब रा की जबर के साथ माना क्या है? पालने वाला। अल का माना खास, खास या तमाम। ये हम तर्जमे में देखेंगे, तर्जमा करते हुए खास का लफ्ज फिट आ रहा है या तमाम का आ रहा है, तो वो तर्जमा करते हुए देखेंगे, जो मुनासिब लगे, फिट आए, करेक्ट लगे, उसी लफ्ज का इस्तेमाल करना है। आलमीन किसे कहते हैं? जहान। किसे कहते हैं? जहान। लेकिन अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताला के सिवा हर शय क्या होती है? आलम। हर शय आलम कहलाती है, यानी अल्लाह के सिवा जो भी शय है वो क्या है? आलम है, यानी जहान है, जहान। तो अल्लाह के सिवा जो शय है हर शय को पालने वाला अल्लाह है। अब देखिए अल का माना हमने क्या पढ़ा? खास है या तमाम है। तो यहाँ पे तमाम का तर्जमा फिट आएगा या खास का? तो हम कहेंगे अल तमाम, अल तमाम। हम्द तारीफ, तमाम तारीफ तो नहीं कह सकते ना, तमाम के साथ उर्दू में जो लफ्ज आएगा जमा का आएगा ना, जमा का, सिंगुलर तो नहीं आएगा, मुनासिब नहीं लगेगा। तमाम तारीफ नहीं, तमाम तारीफ है। अल तमाम, हम्द तारीफ है। ली के लिए, के लिए। अल्लाह अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। क्यों हैं? क्यों तारीफ कर रहे हैं हम अल्लाह की? रब वो पालने वाला है, वो पालने वाला है। अल तमाम खास भी आएगा। अगर खास कर दे तो मतलब कोई खास आलम है जिसको अल्लाह पाल रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं, तो मुनासिब नहीं लग रहा ना। तो अल का यहाँ पे क्या माना है? तमाम। आलमीन जहां, आलमीन जहां, या मखलूक, या मखलूक, जो भी आपको आसान लगे। तो तर्जुमा क्या हो गया? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो हर मखलूक को पालने वाला है। समझ आ गई?
करता तो नहीं है ना,